नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की इस लर्निंग वीडियो में जानते हैं पर यूनिट सिस्टम क्या है, जो हमारी पावर सिस्टम में फॉल्ट्स क्या मायने रखती है और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कैलकुलेशंस में जो हम ए ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देने हैं। शुरू करते हैं कुछ एग्जाम सीरीज में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से लिखने हैं। परीक्षाओं में एक प्रचलित प्रश्न है, पर यूनिट सिस्टम क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पर यूनिट सिस्टम। इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस केवीए एंड एक्चुअल केवीए, या फिर बेस वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज, या बेस करंट और एक्चुअल करंट। इन रूपों में ये जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हें समझते हैं। हमारे पावर सिस्टम में जो फॉल्ट एनालिसिस की कैलकुलेशंस हैं वो बहुत सिंपलीफाई हो सकती हैं अगर हम पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए करें। इस पर यूनिट सिस्टम में हम जो सिस्टम में वोल्टेज करंट या अपरेंट पावर केवीए या सिस्टम में जो कंपोनेंट के इंपीडेंस है इनको नॉर्मलाइज कर लेते हैं पर यूनिट वैल्यूज में, और इस नॉर्मलाइजेशन के लिए हम इन वोल्टेज करंट केवीए इंपीडेंस की कुछ बेस वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं। इन पर यूनिट नोटेशन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, अपरेंट पावर हो या इंपीडेंस हो, उसे हम एक रेफरेंस क्वांटिटी के फ्रैक्शन के तौर पे अंश के रूप में लिखते हैं। और पर यूनिट सिस्टम में जब हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैलकुलेशन सरल हो जाती है। और हमारे पावर सिस्टम में जो बीच में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, जो अपने टर्न्स रेशो के अनुपात में जो दोनों साइड्स हैं उस पे वोल्टेज और करंट के लेवल्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उन वेरिएशंस के बावजूद भी, जो वोल्टेज का वेरिएशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स में होता है, उनके बावजूद भी अगर हम पर यूनिट सिस्टम में कैलकुलेशंस करते हैं तो वो कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सिंपलीफाइड बनी रहती है। किसी भी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, अपरेंट पावर हो या इंपीडेंस हो, जो पर यूनिट वैल्यू है उस क्वांटिटी की, वो एक अनुपात है उस क्वांटिटी की किसी यूनिट में एक्चुअल वैल्यू की और उसी यूनिट में एक रेफरेंस वैल्यू की। उस रेफरेंस वैल्यू को हम बेस मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और क्योंकि ये रेशो सेम यूनिट्स की दो क्वांटिटीज का है तो पर यूनिट जो वैल्यूज हैं वो डायमेंशनलेस हो जाएंगी, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, इंपीडेंस हो या अपरेंट पावर हो। अगर हमें किसी सिस्टम में इक्विपमेंट की जो केवीए वैल्यूज हैं उसे पर यूनिट क्वांटिटी में बदलना है तो इस एक्चुअल केवीए वैल्यू को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्चुअल में अपरेंट पावर की, उसे जो हमने सेलेक्ट की हुई बेस केवीए वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे तो जो एक्चुअल केवीए है और जो बेस या रेफरेंस केवीए है दोनों सेम केवीए यूनिट आपस में यूनिट वाइज डायमेंशन लेस हो जाएंगी और ये जो फ्रैक्शनल रेशो आएगा इसे हम पर यूनिट वैल्यूज कहते हैं। हम केवीए की बजाय ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज से बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का जब हम डिवीजन करेंगे तो पर यूनिट वोल्टेज आ जाएगी। इसी तरह से हम पर यूनिट करंट या पर यूनिट इंपीडेंस निकाल सकते हैं। पावर सिस्टम के एनालिसिस में चार इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स का ज्यादा प्रयोग होता है, वोल्टेज, करंट, अपरेंट पावर और इंपीडेंस। जब हम इन वैल्यूज के साथ पर यूनिट सिस्टम में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो अपरेंट पावर केवीए में उसकी बेस वैल्यू और सिस्टम की वोल्टेज की बेस वैल्यूज को पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है। और एक बार जब हमने बेस वोल्टेज और बेस अपरेंट पावर का सिलेक्शन कर लिया है तो बेस वैल्यूज ऑफ करंट और इंपीडेंस अपने आप इनकी मदद से आ जाती है। जो बेस करंट है वो अपरेंट पावर में वोल्टेज का डिवीजन करने से आ जाएगा तो जो बेस करंट है वो बेस अपरेंट पावर डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारा बेस इंपीडेंस है वो बेस वोल्टेज और बेस करंट का रेशो है। और अगर हम बेस करंट को अपरेंट पावर और वोल्टेज के रेशो के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि जो बेस इंपीडेंस है वो बेस वोल्टेज के स्क्वायर में बेस अपरेंट पावर का डिवीजन करके आ जाएगा। तो एक बार अगर हमने बेस वोल्टेज और बेस केवीए अपरेंट पावर को सेलेक्ट कर लिया है तो बेस करंट और बेस इंपीडेंस इनकी मदद से मैनुपलेशन से आ जाएगा। इसी तरह से
से जब हम थ्री फेज सिस्टम में बेस वैल्यूज का सिलेक्शन करते हैं तो जो अपरेंट पावर है वो थ्री फेज की टोटल पावर को सिलेक्ट करते हैं और वोल्टेज के रूप में हम सिस्टम लाइन वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं। और एक बार जब हमने सिस्टम लाइन वोल्टेज की बेस वैल्यू और टोटल थ्री फेज पावर की बेस वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया है तो हमारा जो बेस लाइन करंट है, अपरेंट पावर होती है रूट थ्री लाइन वोल्टेज लाइन करंट, हमारी बेस लाइन करंट हो गई है अपरेंट बेस पावर डिवाइडेड बाई रूट थ्री टाइम्स बेस लाइन वोल्टेज। इसी तरह से हमारा जो इम्पीडेंस है वो फेज वोल्टेज में फेज करंट का डिवीजन करके आ जाएगा, लाइन वोल्टेज में रूट थ्री का डिवीजन करके फेज वोल्टेज आ जाएगी, और स्टार मॉडल में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं तो ये फेज करंट हो गया है। और अगर हम कैलकुलेशन को बेस करंट के बजाय बेस अपरेंट पावर के रूप में लिखना चाहें तो ये रिलेशन वैसा ही आ गया है जैसे सिंगल फेज सिस्टम में बेस इम्पीडेंस का आया था, लेकिन ध्यान रहे ये सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज थी और यहाँ जो थ्री फेज में बेस वोल्टेज है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो एक बार हमने थ्री फेज सिस्टम में लाइन बेस वोल्टेज और थ्री फेज टोटल बेस अपरेंट पावर को फिक्स कर लिया है तो बेस करंट और बेस इम्पीडेंस अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं। आमतौर पे बेस वैल्यूज के सिलेक्शन में जो सिस्टम की रेटेड वोल्टेज होती है उसे हम बेस वोल्टेज के रूप में ले लेते हैं, ध्यान रहे ये थ्री फेज के केस में लाइन वोल्टेज है, और जो बेस अपरेंट पावर है वो हम मनचाहे रूप से स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी एक मेजर जो सबसे ज्यादा अपरेंट पावर का हमारा ट्रांसफॉर्मर या जनरेटर है उसकी रेटिंग से, या फिर हम किसी हायर वैल्यूज को आर्बिट्रेरी अपनी इच्छा से बेस अपरेंट पावर अज्यूम कर सकते हैं ताकि दूसरी जो सिस्टम कंपोनेंट की अपरेंट पावर्स है वो उसके फ्रैक्शनल वैल्यूज में आती रहे। तो इस तरह से हम जो रेटेड सिस्टम वोल्टेज है उसे बेस वोल्टेज और कोई मनचाही हायर रेटिंग्स को बेस अपरेंट पावर ले लेते हैं। और एक बार जब वोल्टेज और अपरेंट पावर फिक्स हो गई है तो बेस करंट और बेस इम्पीडेंस ऑटोमेटिकली उनकी मदद से निकल आते हैं। जब हम पावर सिस्टम के एनालिसिस के लिए पर यूनिट क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग जगहों पर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन की एक्टिविटीज करते हैं उन कपल्ड ट्रांसफॉर्मर सर्किट्स में जो बेस पावर है वो ट्रांसफॉर्मर की दोनों साइड्स में प्राइमरी और सेकेंडरी में एक समान रहती है, वहीं बेस वोल्टेज को एक साइड से दूसरी साइड में अगर हम रेफर करते हैं तो वो टर्न्स रेशो के अनुसार चेंज हो जाती है, जिधर टर्न्स ज्यादा है वहां बेस वोल्टेज ज्यादा होगी और जिधर टर्न्स कम है वहां बेस वोल्टेज कम होगी और दोनों तरफ की बेस वोल्टेज का जो रेशो है वो टर्न्स रेशो के अनुसार होगा। तो एक बार जब हमारी दोनों तरफ की बेस अपरेंट पावर और बेस वोल्टेज डिसाइड हो गई है तो हम बेस करंट और बेस इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। और हम पाते हैं कि इस तरह से जब हम पर यूनिट में क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं तो पर यूनिट अपरेंट पावर, पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट करंट या पर यूनिट इम्पीडेंस परिपथ में ट्रांसफॉर्मर आने के बावजूद भी अनचेंज्ड रहते हैं। कई बार हमारे पावर सिस्टम में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर्स एटसेट्रा, उनके इम्पीडेंस भी पर यूनिट में मेंशन्ड होते हैं और जो नेम प्लेट पर यूनिट वैल्यूज या परसेंटेज वैल्यू इम्पीडेंस की दी हुई होती है वो बेस्ड होती है इक्विपमेंट की जो रेटेड वोल्टेज और पावर लेवल के अनुसार। हो सकता है हमारे बेस वोल्टेज और बेस अपरेंट पावर इक्विपमेंट की रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशंस पे जो एक वोल्टेज और पावर लेवल पे बेस इंपीडेंस है उसे हमें जो बेस अपरेंट पावर और वोल्टेज हमने पावर सिस्टम के लिए सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। और एक बार जो मॉडिफाइड पर यूनिट वैल्यूज हमारे द्वारा पावर सिस्टम की सेलेक्ट की हुई बेस वैल्यूज में आ जाएगी तो उस पर यूनिट वैल्यूज से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। परीक्षाओं में एक प्रश्न बार बार आता है, रिपीट होता है, और वो है पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस को बताइए। तो जब हम इलेक्ट्रिक पैरामीटर को पर यूनिट्स में पढ़ते हैं तो वो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं बिना किसी डायमेंशन के जो यूनिटी के करीब या उसके फ्रैक्शनल वैल्यूज में रहती हैं और इनमें वेरिएशन बड़ी परास में नहीं होता, छोटी परास में होता है। तो ऐसे यूनिटी के आसपास के नंबर को पर यूनिट सिस्टम में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें डील करना आसान हो जाता है। जब हम एक ही प्रकार की मशीन्स जो अलग अलग रेटिंग्स की है उनमें पैरामीटर के कंपैरिजन करते हैं तो अगर वो पैरामीटर पर यूनिट वैल्यूज में हो तो कंपैरिजन बहुत मीनिंगफुल सामने समझ में आ जाएगा, क्योंकि
सभी डिवाइसेस के पर यूनिट पैरामीटर्स हैं वो एक छोटी रेंज में रहते हैं। तो अगर कोई वैल्यूज उस रेंज से बाहर दूर दिख रही है तो जो एरर सामने दिख रही है वो पकड़ में आ जाती है, यानी जो एरर वैल्यूज हैं वो कॉन्सिपिकुअस हैं, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है और एरर को दूर किया जा सकता है। अगर हमें किसी सिस्टम कंपोनेंट की पर यूनिट वैल्यूज की जानकारी नहीं है और हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करनी है, तो क्योंकि हमें जानकारी है कि पर यूनिट वैल्यू एक छोटी परास में ही रहती हैं, तो हम किसी अननोन पर यूनिट क्वांटिटी को जो रेंज है उसके बीच में किसी टिपिकल वैल्यूज पे अज्यूम कर सकते हैं और हमारी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो पावर सिस्टम में अगर कोई पैरामीटर नहीं मालूम है तो उसे अज्यूम करना पर यूनिट सिस्टम में आसान हो जाता है और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस काफी एग्जैक्ट के नजदीक आ जाती है। जो पर यूनिट सिस्टम में कैलकुलेशंस हैं वो एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में एक जैसी रहती है, चाहे हमारे वाइंडिंग के कनेक्शंस जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है उसमें किसी साइड में स्टार में है या डेल्टा में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टर्न्स रेशो या दोनों साइड में जो फेज एंगल डिफरेंस आता है उनका पर यूनिट वैल्यूज के निर्धारण में ट्रांसफॉर्मर की दोनों साइड्स पे कोई अंतर नहीं आता। तो जब हम पर यूनिट सिस्टम में कैलकुलेशंस करते हैं तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का आइसोलेशन खत्म हो जाता है और एक कंटिन्यूटी सर्किट में बन जाती है और आसानी से हम पावर सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं अगर हमारी सारी क्वांटिटीज पर यूनिट में मेंशन की हुई है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की प्रश्नों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉल्ट कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। तो अगर हमें इस प्रश्न की उत्तर भाषा लिखनी आ जाती है तो हम बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज से लिख सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है उसमें जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट कंडीशंस हैं, वो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कहलाई जा सकती है। और इनमें जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स हैं जिसमें करंट बहुत डेंजरसली हाई लेवल पर चला जाता है और उस हाई करंट्स के बहुत सब्सटेंशियल डेंजरस इफेक्ट्स पावर सिस्टम पे हो सकते हैं, थर्मल हीटिंग या इनॉर्मस इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्सेस के रूप में जिसमें हमारे इक्विपमेंट हैं वो डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली या रिपेयरेबल कंडीशंस पे, तो हमें न केवल मेंटेनेंस की जरूरत हो सकती है, कई बार हमारे इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट भी फॉल्ट्स के बाद करने जरूरी हो जाते हैं। और कई बार जब हम फॉल्ट को ठीक से टैकल नहीं कर सकते तो वो फायर का फॉर्मेट ले सकती है, एक से ज्यादा इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकती हैं और इसी तरह के खतरनाक जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से देखे जा सकते हैं। हम एक फॉल्ट एनालिसिस या फॉल्ट कैलकुलेशंस में सिस्टम की फॉल्ट के दौरान जो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस आती है उसमें जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स आते हैं उन्हें इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे जो सिस्टम में प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं जो ओवर करंट कंडीशंस पे हमारे सिस्टम कंपोनेंट को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रेटिंग्स की मैचिंग हम कर सकें। तो ओवर करंट कंडीशंस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से आ सकती हैं और इनका अगर हमें पहले से अंदाज हो तो हम सिस्टम में ओवर करंट से बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेज का सिलेक्शन है वो एप्रोप्रिएट तरीके से एप्रोप्रिएट रेटिंग्स के साथ कर सकते हैं। पावर सिस्टम में फॉल्ट एनालिसिस से या फॉल्ट करंट के लेवल्स को पता करके हम नीचे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं इनको पता लगा सकते हैं। हम हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट के समय मिनिमम या मैक्सिमम फॉल्ट करंट्स क्या रह सकते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमें फास्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शंस में मदद देगा। हमें जो ओवर करंट से प्रोटेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमारे सिस्टम में मैक्सिमम करंट से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस सिस्टम कंपोनेंट पे जनरेट होंगे उनकी क्वांटिटी पता लग सकती है और हम अपने इक्विपमेंट की डिजाइन एप्रोप्रिएट तरीके से कर सकते हैं। फॉल्ट करंट कंडीशन से जो जूल हीटिंग के थर्मल इफेक्ट्स आते हैं इक्विपमेंट्स में उनकी जानकारी मिल सकती है। हम प्रोटेक्शन ऑपरेशंस में जो डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें केवल फॉल्टी हिस्सा आइसोलेट हो और हेल्दी पावर सिस्टम कंपोनेंट की सप्लाई कंटिन्यूटी बिना डिस्टरबेंस के मेंटेन रहे वो कैलकुलेशन भी हम फॉल्ट लेवल के एनालिसिस से कर सकते हैं। फॉल्ट करंट के फ्लो के समय हमारे सिस्टम में जो अर्थिंग की हुई होती है उससे जो टच और स्टेप पोटेंशियल्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं अर्थ टू ऑब्जेक्ट में वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे पर्सनल सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी और हमें जो ग्राउंडिंग में ऑगमेंटेशंस करने होंगे वो भी किए जा सकते हैं।
एक वर्किंग पावर सिस्टम में फॉल्ट्स को रोकना संभव नहीं है। शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट कंडीशंस आना पॉसिबल है और ऐसी कंडीशंस में जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स बनते हैं उनसे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रोकने के लिए पावर सिस्टम में हमें आवश्यक प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं उसे डिजाइन कर लेना चाहिए और उस डिजाइन के लिए हमें जो अबनॉर्मल फॉल्ट करंट्स आएंगे उनकी पहले से जानकारी होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन से जो हमारे पावर सिस्टम का जो फॉल्टी पार्ट है उसे पता लगा के शेष हेल्दी पार्ट से आइसोलेट कर दें और ये काम हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। ये एक अच्छे प्रोटेक्शन सिस्टम की आवश्यकता है और ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम की डिजाइन की एक रिक्वायरमेंट है कि हमें फॉल्ट करंट है उसकी प्रिडिक्शन किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जब फॉल्ट आती है हमारे पावर सिस्टम के सर्किट में तो वो फॉल्ट करंट का लेवल क्या होगा उसकी प्रिडिक्शन पहले से होनी चाहिए और इन सब प्रिडिक्शंस के लिए ये जरूरी है कि हमें फॉल्ट कैलकुलेशंस के तौर तरीके मालूम होने चाहिए। तो पावर सिस्टम में फॉल्ट कैलकुलेशंस इसलिए जरूरी है कि फॉल्ट करंट्स का असेसमेंट करके हम एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन स्कीम्स को डिजाइन कर सके। हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट कैलकुलेशन आसान नहीं है, हमारे पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा जटिलता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसके सिस्टम कंपोनेंट में नॉन लीनियरिटी है और सभी फिनोमिना के एग्जैक्ट सर्किट मॉडल बनाना संभव नहीं है। तो बहुत सारे कारण है जो हमारी फॉल्ट कैलकुलेशंस को जटिल, मुश्किल और इनएक्यूरेट, त्रुटि वाली बना सकते हैं। हमारे पावर सिस्टम में जो थ्री फेज सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कई प्रकार की फॉल्ट्स हो सकती हैं और इन सभी फॉल्ट्स की जो इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्जैक्ट मालूम होना जरूरी है और क्योंकि सभी फॉल्ट की इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग नेचर की हो सकती है, उसमें नॉन लीनियरिटी और अनप्रिडिक्टेबल कंपोनेंट्स भी हैं, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं मालूम होगी तो हम फॉल्ट करंट की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कई बार फॉल्ट का जो इम्पीडेंस है जिसे हम जीरो मान लेते हैं आइडियली वो नॉन जीरो होता है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में हमारी फॉल्ट करंट कैलकुलेशन में भी एरर आ जाती है। जो हमारे पावर सिस्टम में सिंक्रोनस मशीनें हैं, अल्टरनेटर या मोटर्स या दूसरी जो रोटेटिंग मशीन्स हैं, वो भी फॉल्ट के समय एक्टिव जो अपनी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जीज है उनकी मदद से फॉल्ट करंट में कंट्रीब्यूट करने लगती हैं और कई बार इनका कंट्रीब्यूशन बहुत सब्सटेंशियल, बड़ी मात्रा का भी हो सकता है और इसे पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जो हमारी फॉल्ट करंट की वैल्यूज है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इनिशियल ट्रांजिएंट पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं करती। इनिशियल ट्रांजिएंट पीरियड में फॉल्ट करंट एसिमेट्रिक हो सकता है और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में डीसी ऑफसेट्स भी हो सकते हैं और ये जो डीसी ऑफसेट वैल्यू है वो एक ट्रांजिएंट फिलोमिना है और वो फॉल्ट की कंडीशंस के अनुसार डिसाइड होता है, इसे पहले से ठीक से प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। जो हमारी अर्थ फॉल्ट्स हैं उनका अर्थ इंपीडेंस अलग अलग हो सकता है और इसे भी पहले से एक्यूरेटली एस्टीमेट करना मुश्किल है, तो इन सब एस्टीमेशन की एरर के कारण एग्जैक्ट फॉल्ट करंट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेट फॉल्ट करंट एनालिसिस से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हुए प्रोटेक्शन सिस्टम के डिजाइंस कर सकते हैं और करते भी हैं, तो फॉल्ट करंट कैलकुलेशंस भले ही एग्जैक्ट ना हो इंपॉर्टेंट जरूर है। हमें पावर सिस्टम में होने वाली अलग अलग प्रकार की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स की टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक थ्री फेज सिस्टम में कुछ फॉल्ट सिमेट्रिकल्स होती हैं, जैसे थ्री फेज शॉर्ट सर्किट जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट है और ये सभी फॉल्ट में सबसे सिवियरेस्ट प्रकार का है। फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट में सबसे ज्यादा होगा। हमारी कुछ फॉल्ट्स अनसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, जैसे लाइन टू लाइन या फेज टू फेज फॉल्ट है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड अर्थ फॉल्ट है या फेज टू फेज अर्थ फॉल्ट है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। वहीं ये जो थ्री फेज अर्थ फॉल्ट है वो एक सिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो यहाँ फॉल्ट एक और चार सिमेट्रिकल है और दो तीन और ये पांच नंबर की फॉल्ट है वो अनसिमेट्रिकल है। इन सभी फॉल्ट में जो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट है वो सीवियरेस्ट सबसे ज्यादा फॉल्ट करंट बनाएगी और जो फेज टू अर्थ फॉल्ट है तीन नंबर कंडीशंस पे वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल प्रकार की फॉल्ट है। इन सभी प्रकार की जो फॉल्ट्स हैं इनकी नेचर अलग अलग प्रकार की है और वो जब अलग अलग लोकेशंस पे हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में होती हैं तो इनके द्वारा कंट्रीब्यूटेड फॉल्ट करंट के लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हम रिलेज की मदद से जब सिस्टम पैरामीटर को एनालाइज करते हैं तो उन फिगर से हम हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम में एक डिस्क्रिमिनेशन को जनरेट करते हैं जो अलग अलग प्रकार की फॉल्ट के फॉल्ट करंट लेवल के हिसाब से अलग अलग टाइम में अलग
अलग लोकेशंस के प्रोटेक्शन सिस्टम्स को ऑपरेट करके डिस्क्रिमिनेशन करके सिर्फ फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करेगा और हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से सेपरेट करके कंटिन्यूअस सप्लाई कंडीशंस में मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। जो हमारी एक नंबर और चार नंबर पोजीशन की ये जो थ्री फेज फॉल्ट है सिमेट्रिकल प्रकार, इनकी फॉल्ट कैलकुलेशन को हम सिंगल फेज बेसिस पे कर सकते हैं क्योंकि तीनों फेजेज में एक जैसे पैरामीटर रहेंगे, तो जो किसी एक फेज में पैरामीटर है वही सभी में रहेगा। तो इन्हें पर फेज बेसिस पे पर यूनिट सिस्टम में हम रिलेटिवली आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए हम पूरे पावर सिस्टम का एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पावर सिस्टम एनालिसिस में जो ए ऑपरेटर है वो क्या है और ए ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। तो हमारे थ्री फेज पावर सिस्टम में अलग अलग फेजेस के बीच में अगर वो सिमेट्रिकल हैं तो एग्जैक्ट 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और तीन ऐसी वैल्यूज जो एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखती है उसे एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। हम पावर सिस्टम में अलग अलग फेजर क्वांटिटीज के बीच में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेटर ए की मदद करते हैं जो किसी दूसरी वेक्टर या फेजर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उस फेजर या वेक्टर क्वांटिटी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिना मैग्नीट्यूड बदले 120 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑपरेटर से मल्टीप्लिकेशन एक सरल तरीका है जो जल्दी से 120 डिग्री की जो फेज शिफ्ट है दो क्वांटिटीज के बीच में उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। एक एग्जांपल में समझिए, एक आर फेजर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 60 डिग्री एंगल पे 10 मैग्नीट्यूड का है और इसे हम अगर एआर रूप में रिप्रेजेंट करें तो यहां जो ए ऑपरेटर है वो यूनिट मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री एंगल पोजीशन का पोलर एक्सप्रेशन हो गया है और मल्टीप्लिकेशन में जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो ए से मल्टीप्लिकेशन ने आर फेजर का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है और एंगल मल्टीप्लिकेशन में जब ऐड हुए हैं तो जो फेज एंगल है आर फेजर का वो 120 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव सेंस में चेंज होकर 60 की बजाय 180 आ गया है। तो हमारा जो फेजर है वो इस प्लेन में 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बिना मैग्नीट्यूड बदले रोटेट हो गया है जब हमने इसे ए ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया है। तो ए ऑपरेटर एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसी भी फेजर को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का। तो हम कह सकते हैं कि अगर वन यूनिट वेक्टर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे है और इसे जब हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये जो ए ऑपरेटर है वो एक यूनिट वेक्टर हो गया है जिसकी एंगल 120 डिग्री पोजीशंस पे है। पोलर एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में हम ए ऑपरेटर को लिख सकते हैं और अगर हम ए ऑपरेटर को एक बार फिर ए से मल्टीप्लाई कर दें और ये ए स्क्वायर ऑपरेटर हो जाए तो ये यहां से 120 एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होकर 240 एंगल पोजीशंस पर आ जाएगा। तो हम ए स्क्वायर को वन यूनिट मैग्नीट्यूड का फेजर जिसकी एंगुलर पोजीशन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 240 एंटी क्लॉकवाइज है, जो 240 एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन है उसे अगर हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से देखें तो वो 120 क्लॉकवाइज रोटेशंस भी कहलाई जा सकती है। तो हम ए स्क्वायर को 1 एंगल माइनस 120 डिग्री पोजीशन भी कह सकते हैं और आप यहां देखिए कि ए और ए स्क्वायर ये जो दो ऑपरेटर पोजीशंस हैं इनके रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट भी मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन अगर एक प्लस जे टाइप है दूसरा माइनस जे टाइप है तो हम ए और ए स्क्वायर को एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट भी फेजर नोटेशन में कह सकते हैं। थ्री फेज बैलेंस्ड पावर सिस्टम में अलग अलग फेज वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रखती हैं और वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कंडीशंस को भी एनालाइज करने के लिए हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं और इस सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी में किसी इम्बैलेंस या अनसिमेट्रिकल थ्री फेज सिस्टम्स को हम तीन पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के रूप में एक बैलेंस्ड सिस्टम समझ सकते हैं और इनमें जो 120 डिग्री का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ए ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें ए ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। ए ऑपरेटर यूनिट मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री फेज डिफरेंस वाली ऑपरेटर है। अगर इस पोलर एक्सप्रेशन को हम रेक्टेंगल में बदले तो इसका रियल पार्ट नेगेटिव रियल एक्सिस पे 0.5 है और इमेजिनरी पार्ट प्लस जे टाइप
0.866 या √3/2 वैल्यूज का है। अगर हम इसे ए स्क्वायर करते हैं तो ये एंगल 120 ऐड होके 240 हो गया है, और अगर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो ए से बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई है। तो हम ए स्क्वायर को एक ऐसा फेजर भी कह सकते हैं जिसका एंगल -120 है, और आप देखिए +120 -120 मैग्नीट्यूड सेम, तो ए और ए स्क्वायर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए हैं। अगर हम इसे एक बार फिर ए से मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर को, तो ये एंगल 240 में 120 ऐड करने पे 360 आएगा, 360 को हम 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो ए क्यूब है वो एक यूनिट 0 एंगल की पोजीशन आ गई है। अब हमें 1 ए और ए स्क्वायर की वैल्यूज अगर यहां रेक्टेंगल फॉर्मेट में मालूम हो तो हम ये समेशन आसानी से कर सकते हैं। 1 ए ऑपरेटर और ए स्क्वायर ऑपरेटर के समेशन के लिए ए को रेक्टेंगल फॉर्मेट में और ए स्क्वायर को भी रेक्टेंगल फॉर्मेट में लिख दिया है। दोनों के रियल पार्ट सेम है -0.5 और इमेजिनरी पार्ट मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन ए में ये प्लस जे टाइप है और ए स्क्वायर में ये माइनस जे टाइप है, और जब 1 से ये समेशन किया है तो रियल पार्ट से रियल पार्ट का समेशन और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट का समेशन रियल और इमेजिनरी दोनों को जीरो बना देता है। तो ये जो सम है 1+a+a² वो जीरो हो गया है। इनफैक्ट ये तीन बैलेंस्ड थ्री फेज फेजर हो गए हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के म्यूचुअली 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, तो इनका समेशन जीरो होता है, ये हमारी जानकारी में भी है। हमसे ए और ए स्क्वायर ऑपरेटर का सम या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सम और डिफरेंस के लिए हमें रेक्टेंगल फॉर्मेट में क्वांटिटी लिख देनी चाहिए, और जब हम सम करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, और जो रियल पार्ट है सेम साइन का सम होकर -1 हो जाएगा। जब हम डिफरेंस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा डिफरेंस से पहले, तो रियल पार्ट इक्वल ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट सम होकर √3 टाइम्स हो जाएगा। तो जो हमारा सम है वो -1 है, और दोनों ऑपरेटर ए और ए स्क्वायर का डिफरेंस है वो +j√3 है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम आसानी से रेक्टेंगल फॉर्मेट में इन्हें लिख कर सकते हैं। जो हमारी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं जो थ्री फेज पावर सिस्टम में होती हैं, उनके सॉल्यूशंस को हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की थ्योरी से करते हैं, और ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट की थ्योरी है वो डॉक्टर सीएल फोर्टस्क्यू ने हमें दी थी। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड के अनुसार जो हमारे तीन अनबैलेंस वोल्टेजेस हैं थ्री फेज के, इन्हें हम तीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट से जो जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस होते हैं उनकी मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ए ऑपरेटर की एक मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो हम अनसिमेट्रिकल इम्बेलेंस कंडीशंस को भी सिमेट्रिकल कंडीशन से, जो हमारी सिंपल साइनोसोडल सिमेट्रिकल क्वांटिटीज को एनालाइज करने की टेक्निक्स हमने सीखी है उनकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड है वो ए ऑपरेटर की मदद से जो अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट की जो कॉम्प्लेक्स स्टडीज हैं उसे भी सरल सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में बदलकर हमारी फॉल्ट और डिस्टरबेंसेस को एनालाइज करने में मदद देता है। उम्मीद है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के इस लर्निंग वीडियो से आपको पर यूनिट सिस्टम, पावर सिस्टम की फॉल्ट्स और ए ऑपरेटर की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड प्रश्नों के हल करने में मदद मिलेगी। आपकी एग्जाम सक्सेस और हाई स्कोर एंश्योर हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।